प्रिय विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण क्लास की हम आप लोगों से चर्चा करेंगे जो इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण करेंगे। चर्चा करेंगे अशोक महान के परिवार की। अशोक महान के परिवार के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे और यह भी बताएंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनमें से कौन से पर्सन महत्वपूर्ण हैं। तो जितनी भी संभावनाएं बनती हैं अशोक महान के परिवार से संबंधित प्रश्नों की जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा आप लोगों से करेंगे, आप लोगों के दिमाग में फीड करेंगे। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो एचआर सर को और किसी भी बुक से ज़्यादा मैटर आपको मेरी इस क्लास में मिलेगा। तो शुरू करें अशोक महान की। देखो, अशोक महान जो थे वह मौर्य साम्राज्य के महान शासक थे। ठीक है, और इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम बिंदुसार था, बिंदुसार, और उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या रानी रानी धर्मा के ये पुत्र थे। और बहुत सारी इनकी किंवदंतियां हैं इनके शासन के बारे में, लेकिन पहले अपन संभावना तलाशते हैं। नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए, ध्यान से सुने कि अशोक के नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आया था एक बार, आईएएस में भी आया था, आरएएस में भी आया था नाम से संबंधित। तो पहले आप नाम देख लीजिए, अशोक के बहुत सारे नाम हैं। तो पहले तो ये देखिए, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम है, धर्मराजी का अशोक का नाम है, राजश्रेष्ठ भी अशोक महान का नाम है, मगधराज भी अशोक का अशोक महान का नाम है, भूपति भी अशोक महान को कहते हैं और धर्माशोक भी अशोक महान को कहते हैं। खूब नाम हो रहे हैं। वन चक्रवर्ती सम्राट, धर्मराजी का चक्रवात, चक्रवर्ती सम्राट, धर्मराजी का सम्राट, नेक्स्ट राजश्रेष्ठ, फिर नेक्स्ट मगधराज, मगध के शासक थे मौर्य साम्राज्य, फिर भूपति भी कहते हैं इसको, भूपति, आप महेश भूपति को मत जानिए, अशोक को भूपति भी कहते हैं और धर्माशोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्माशोक। अशोक ध्वज भी कहते हैं, अशोक ध्वज, अशोक ध्वज भी अशोक महान का नाम है, अशोक वर्धन भी कहा जाता है, अशोक वर्धन भी कहा जाता है, प्रजा पिता भी कहा जाता है, अशोक को प्रजा पिता भी कहा जाता है, अशोक ध्वज भी कहा जाता है, अशोक वर्धन भी कहा जाता है। पूरे नाम दिमाग में ध्यान में रखना। पूछेंगे निम्नलिखित में से अशोक को कौन से नाम से नहीं जाना जाता। ऑप्शन में सेंड्रोकोटस आए, एंड्रोकोटस आए, फिर भी इन नामों के अलावा भी कोई और नाम आए तो आप उसको उसके ऊपर टिक लगाना। खूब सारे नाम मैंने आपको लिख दिए हैं, किसी भी बुक से ज़्यादा, किसी भी एक प्रतियोगी बुक आप लोगों के पास होगी उससे ज़्यादा मटेरियल मेरी क्लास में आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिलेगा। भूपति, अशोक वर्धन प्रजा पिता भी कहते हैं, धर्म नायक भी कहते हैं, देव नाम प्रिय या फिर देव नाम प्रियदर्शी भी इनको कहा जाता है, देव नाम प्रिय और देव नाम प्रियदर्शी भी अशोक महान को कहा जाता है। पहली संभावना नामों से संबंधित आया था एग्जाम में, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग एग्जाम देखे उसको प्रश्न को ढूंढें, इससे पहले ही टॉपिक से संबंधित समस्त प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, पहले पेपर सेलेक्टर किस किस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं उनके हिसाब से आप लोग तैयारी करें। तो ध्यान में रखेंगे ये महत्वपूर्ण है। अब इनमें से भी मैं कुछ और बातें आप लोगों को बताऊंगा नाम से संबंधित प्रश्न, कि अशोक का को अशोक वर्धन कहा गया है, किसमें अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है तो आप बताएंगे पुराणों में। ठीक है, या फिर प्रश्न बनेगा कि पुराणों में अशोक वर्धन को क्या कहा गया है, पुराणों में अशोक वर्धन को क्या कहा गया है, सॉरी अशोक को क्या किस नाम से जाना गया है, तो प्रश्न क्या जाएगा अशोक वर्धन के नाम से जाना गया है। ये ध्यान में रखना, पुराणों में अशोक महान को अशोक वर्धन नाम से जाना गया है। ठीक है, एक बार प्रश्न और आ गया था एग्जाम में, बहुत बढ़िया प्रश्न था, क्या कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अशोक का नाम अशोक नहीं लिखा गया है, अशोक को अशोक नहीं कहा गया है। ठीक है, तो या फिर अशोक का नाम जो है वह अशोक कौन से अभिलेख में नहीं कहा गया है, अशोक नाम का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में नहीं किया गया, इस प्रकार से। तो आप लोग चार शब्द याद रखेंगे, एक लाइन याद रखेंगे एचआर सर की, कौन सी, उदय गुजर मास्क लगाकर नेतागिरी करता है परंतु अशोक अशोक करता है, ये ध्यान में रखेंगे। उदय गुजर
मास्क लगाकर, आजकल कोरोना के चक्कर में सबने मास्क लगा रखा है, तो आप भी ध्यान रखेंगे, अशोक गुजर या उदय गुजर, उदय गुजर मास्क लगाकर नेतागिरी करता है, अशोक अशोक करता है, मतलब उदय उदय गोलम का जो शिलालेख है, उदय गोलम शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, मास्क की शिलालेख और नेतूर शिलालेख, नेता से, ये चार शिलालेख ऐसे हैं। कौन कौन से? उदय गोलम शिलालेख, मास्क की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख और नेतूरी शिलालेख में अशोक का नाम अशोक ही है। अशोक का नाम अशोक किसमें है? चार शिलालेख हैं। उदय गुजर मास्क लगा करके नेतागिरी करता है, लेकिन अशोक अशोक करता है। कौन? उदय गुजर, उदय गोलम शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख, फिर मास्क लगाकर तो मास्क की शिलालेख, और नेतागिरी में नेतूरी शिलालेख जो है, भाई अशोक के ऐसे चार शिलालेख हैं जिनमें उनका नाम अशोक कहा गया है। आगे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आरएएस में, आईएएस में, एसएससी में, सभी में पूछा गया पर्सन है, आप लोग दिमाग में फीड कर लें, याद कर लें। दोबारा एक बार बोल दीजिए, उदय गुजर मास्क लगा करके नेतागिरी करता है, अशोक अशोक करता जाता है, अशोक महान के बारे में ये बताता है, नेतागिरी करता है, अशोक अशोक करता है। कौन? उदय गुजर मास्क लगाकर नेतागिरी करता है, ये ध्यान में रखेंगे। उदय गोलम का शिलालेख, मास्क की शिलालेख, गुर्जरा शिलालेख और नेतूरी शिलालेख, इन शिलालेखों में क्या है? अशोक का नाम अशोक ही रखा गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और अभिलेखों में एक और ध्यान में रखेंगे कि अशोक का नाम बुद्ध शाक्य है, ठीक है, तो आप देखेंगे लघु शिलालेख में अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ गया कि लघु शिलालेखों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे बुद्ध शाक्य नाम से जाना जाता है, या अशोक को बुद्ध शाक्य किसमें कहा गया है, तो आप बताएंगे लघु शिलालेखों में अशोक का क्या नाम है भाई, तो आप बताएंगे लघु शिलालेखों में अशोक को बुद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। लघु शिलालेखों में बुद्ध शाक्य याद रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देवनाम प्रिय दसी नाम जो है वो भी अशोक के ही हैं, लेकिन किसमें इनको देवनाम प्रिय दसी या देवनाम प्रिय कहा गया है, तो आप बताएंगे अभिलेखों में अशोक का नाम देवनाम प्रिय व देवनाम प्रिय दसी रखा गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उसके नाम से संबंधित, आप लोग ध्यान में रखें, इनमें से प्रश्न बना हुआ है और प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से। तो खास मैंने बात बता दी है कि अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में, बुद्ध शाक्य किसमें कहा गया है, बुद्ध शाक्य कहा गया है लघु शिलालेखों में, देवनाम प्रिय दसी कहा गया है किसमें, अभिलेखों में, ठीक है, आप लोग इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखें नेक्स्ट, अशोक की पत्नियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो अशोक की जो पत्नियां हैं उनके नाम है या रानियां, अशोक की जो रानियां हैं उनको नाम ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रानी अशोक की नहीं थी, तो खूब सारी रानियां हैं, तो इनमें नाम कुछ दे रखे, महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिसरक्षिता, ये अशोक की पत्नियां या रानियां हैं। अशोक की महारानियां महादेवी है, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती, तिसरक्षिता, बोलेंगे तभी दिमाग में याद रहेगा, बार बार एचआर सर के साथ उच्चारण करते रहे, मैं बोलूंगा देखो महादेवी करुवाकी असंधिमित्रा पद्मावती तिसरक्षिता, ठीक है, ये पांच रानियों के नाम आप लोग याद रखेंगे। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, तिसरक्षिता और पद्मावती, ये पांच नाम आप लोग याद रखेंगे। ये कौन किसकी रानियां हैं? अशोक की महारानियां हैं। कौन कौन सी होगी वापस रिवाइज कर लो एक बार, महादेवी, करुवाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती और तिसरक्षिता। अब अशोक के संतान, कितनी संतानें थी, किन किन संतानों के बारे में दे रखा है, तो अशोक की संतान महेंद्र है,
संघमित्रा है, तिवल है, कुणाल और चारुमति। देखिए महेंद्र, संघमित्रा, तिवल, कुणाल और चारुमति। देखिए इस चारुमति का विवाह है ना अशोक ने, चारुमति का विवाह है नेपाल के शासक के साथ किया था और देवपाल के साथ, देवपाल नगर, देवपाटन नगर की स्थापना यानी कि नेपाल की स्थापना अशोक ने की थी। ठीक है, फिर अब देखेंगे अशोक के भाई, भाइयों से संबंधित बहुत बार प्रश्न आता है और कैसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट संभावना है। देखिए दिव्यावदान क्या है, दिव्यावदान बोध ग्रंथ है, इस बोध ग्रंथ के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा, ये बोध ग्रंथ लिख करके इसके अनुसार दिव्यावदान में अशोक के निम्नलिखित में से किन दो भाइयों का उल्लेख किया गया है। तो दिव्यावदान के अनुसार अशोक के दो भाई थे कौन कौन, एक तो सुसीम और दूसरा एक विगता अशोक, मतलब और भाई हैं अशोक के लगभग, कोई कहता है बहुत सारे अलग 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 इतिहासकारों का मत है, जो तारानाथ लांबा क्या कहता है कि अशोक ने 6 भाइयों की हत्या करके अपना शासन संभाला था। ठीक है, और लंका परिक्रमा की परंपरा के अनुसार बिंदुसार के 16 पटरानियां थी, बिंदुसार के 16 पटरानियां थी और उनके 101 पुत्र थे, तो खूब सारी लंबी लिस्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां प्रश्न पूछेंगे ग्रंथ के हिसाब से, प्रश्न क्या बनेगा दिव्यावदान के अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार अशोक के कौन कौन से दो भाई थे, तो बताएंगे सुसीम व विगता अशोक, सुसीम व विगता अशोक। अब फिर नेक्स्ट प्रश्न, दिव्यावदान के में अशोक की किन दो पत्नियों के बारे में चर्चा की गई है, तो दिव्यावदान के मैं के अनुसार अशोक की दो पत्नियां हैं, एक तो तिश्य रक्षिता, दो पत्नियों का उल्लेख किया गया है। वैसे पत्नियां तो मैंने 4-5 बता दी हैं, लेकिन प्रश्न क्या बन रहा है ध्यान से सुनना, दिव्यावदान के अनुसार दिव्यावदान में अशोक की किन दो पत्नियों का उल्लेख किया गया है, तो तिश्य रक्षिता व सुभद्रांगी, सुभद्रांगी, तिश्य रक्षिता व सुभद्रांगी। देखिए दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार की, हाँ बिंदुसार की जो पत्नी थी वह कौन सी थी, सुभद्रांगी, और ये सुभद्रांगी का पुत्र था कौन, अशोक। तो ये पत्नियां किसके, अशोक की पत्नी जो है दिव्यावदान के अनुसार तिश्य रक्षिता के बारे में बताया गया है, ये ध्यान में रखना, तिश्य रक्षिता के अनुसार। और सुभद्रांगी क्या है, इसकी माता, अशोक की माता को दिव्यावदान में क्या बताया गया है, सुभद्रांगी अशोक की माता थी, किसमें बताया गया है, दिव्यावदान के अनुसार, समझ गए बात को। लेकिन अशोक की कौन सी पत्नी का उल्लेख किया गया है, तिश्य रक्षिता पत्नी का, अशोक की दिव्यावदान के अनुसार, अशोक की दिव्यावदान में अशोक की कौन सी पत्नी का उल्लेख है, तो आप बताएंगे तिश्य रक्षिता, ये ध्यान में रखना, ये दो अलग अलग प्रश्न है यहाँ पर। और सुभद्रांगी दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का क्या नाम था, तो आप बताएंगे सुभद्रांगी, ये इनकी अशोक की माता है, सुभद्रांगी, सॉरी अशोक की माता है सुभद्रांगी। दक्षिणी परंपरा के अनुसार इसका नाम रानी धर्मा था, जो क्षत्रिय वंश की नहीं थी, ये ध्यान में रखना, अशोक भी क्षत्रिय वंश का नहीं था ऐसा माना जाता है, क्यों, क्योंकि जो रानी धर्मा जो थी वह क्षत्रिय वंश की नहीं थी, वो उसका यह पुत्र था, ये ध्यान में रखना। तो सुभद्रांगी माता का नाम था इसकी, अशोक के दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का क्या नाम था, तो आप बताएंगे खूब सारी रानियां हैं, तो माता थी सुभद्रांगी या रानी धर्मा, सुभद्रांगी किसके अनुसार, दिव्यावदान के अनुसार, और रानी धर्मा किसके अनुसार, दक्षिण परंपरा के अनुसार, ये ध्यान में रखना। और फिर अशोक के तीन पुत्रों का, इसका बिंदुसार के तीन पुत्रों का उल्लेख भी मिलता है, यानी कि अशोक के तीन भाई, दो भाई और कौन कौन से हैं, बिंदुसार के तीन पुत्र सुसीम, अशोक और तिश, ये बिंदुसार के तीन पुत्र थे, यानी कि सुसीम और तिश बिंदुसार के भाई थे, लेकिन दिव्यावदान में दो भाई कौन कौन से बता रखे हैं, सुसीम व विगताशोक, सुसीम व विगताशोक, बल्कि अशोक का एक और भाई था सुसीम के अलावा, तिश, यानी कि तीन भाई हो गए, सुसीम, विगताशोक और तिश, अशोक के तीन भाई हो गए, लेकिन दिव्यावदान में दो भाइयों का उल्लेख किया गया है, सुसीम व विगताशोक। ठीक है, और बोध ग्रंथों में अशोक के तीन भाई बताए हैं, बोध ग्रंथों के अनुसार दिव्यावदान है इसमें दो भाई सुसीम है विगताशोक, लेकिन और अन्य बोध ग्रंथ जो है उसमें तीन भाइयों का उल्लेख है, एक तो तिश का, एक सुसीम का और विगताशोक का। सुसीम सबसे बड़ा भाई था और बिंदुसार सुसीम को ही राजा बनाना चाहता था, लेकिन अशोक
नए बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अपने 99 भाइयों की हत्या करके 99 भाइयों की हत्या करके अपना शासन संभाला था। लेकिन लामा तारानाथ ये कहता है कि अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक 269 इस वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में या फिर 270 ईसा पूर्व में हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। अब अशोक के बाद कौन शासक बना था? तो अशोक के बाद शासक बना था दशरथ मौर्य। ठीक है, दशरथ मौर्य। अब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे अशोक की फैमिली के अनुसार और अपने एग्जाम के अनुसार। आप लोगों को समझ में आए होंगे तो आप लोग इसको ध्यान से बार बार इस क्लास को देखें, आप लोगों का करियर बनाएगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप लोगों का फिर से धन्यवाद और आप लोगों के लक्ष्य प्राप्ति की शुभकामनाएं।